यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 34। यशायाह 34। हे जाति जाति के लोगों, सुनने के लिए निकट आओ, और हे राज्य राज्य के लोगों, ध्यान से सुनो। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है, सब सुनो। यहोवा सब जातियों पर क्रोध रखता है, और उसकी सारी सेना पर उसकी जलजलाहट भड़की हुई है। उसने उनको सत्यानाश किया और संहार होने को छोड़ दिया। उनके मारे हुए फेंक दिए जाएंगे, और उनकी लोथों की दुर्गंध उठेगी, और उनके लोहू से पहाड़ गल जाएंगे, और आकाश के सारे गण जाते रहेंगे, और आकाश कागज की नाई लपेटा जाएगा, और जैसे दाखलता व अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझा मुरझा कर जाते रहते हैं, वैसे ही उसके सारे गण धुंधला होकर जाते रहेंगे, क्योंकि मेरी तलवार आकाश में पीकर तृप्त हुई। देखो, वह न्याय करने को एदोम पर और उन पर पड़ेगी जिन पर मेरा शाप है। यहोवा की तलवार लहू से भर गई है, वह चर्बी से और भेड़ों के बच्चों और बकरों के लहू से और मेंढों के गुर्दों की चर्बी से तृप्त हुई है, क्योंकि बोस्रा नगर में यहोवा का एक यज्ञ और एदोम देश में बड़ा संहार है, और उनके संग जंगली सांड और बछड़े और बैल बध होंगे, और उनकी भूमि लोहू से पटाई जाएगी, वहां की मिट्टी चर्बी से अधा जाएगी, क्योंकि पलटा लेने को यहोवा का एक दिन और सियोन का मुकदमा चुकाने के लिए बदला देने का एक वर्ष नियुक्त है। और एदोम की नदियां राल से और उसकी मिट्टी गंधक से बदल जाएगी, और उसकी भूमि जलती हुई राल बन जाएगी। वह रात दिन न बुझेगी, उसका धुआं सदैव उठता रहेगा, वह युग युग उजाड़ पड़ा रहेगा, कोई उसमें से होकर कभी न चलेगा। उसमें धनेश पक्षी और शाही पाए जाएंगे, और वह उल्लू और कौवे का बसेरा होगा, और वह उस पर गड़बड़ की डोरी और सुनसानी का साहुल तानेगा। वहां न तो रईस होगे और न ऐसा कोई होगा जो राज्य करने को ठहराया जाए, और उसके सब हाकिमों का अंत होगा, और उसके महलों में कटीले पेड़ और गड्ढों में बिच्छू पौधे और झाड़ उगेंगे, और वह गिधड़ों का वासस्थान और शुतुरमुर्गों का आसन होगा। वहां निर्जल देश के जंतु सियारों के संग मिलकर बसेंगे, और रोआर जंतु एक दूसरे को बुलाएंगे, और वहां ललित नाम जंतु वासस्थान पाकर चैन से रहेगा। वहां उड़ने वाले सापिन का बिल होगा, और वे अंडे देकर उन्हें सवेंगे और अपनी छाया में बटोर लेंगे, और वहां गिद्ध अपनी अपनी साथिन के साथ इकट्ठे रहेगी। वहां यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इसमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी, और कोई बिना जोड़ा न रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी, और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है, और उसी ने उनके लिए चिट्ठी डाली, और उसी ने अपने हाथ से डोरी डालकर उस देश को उनके लिए बांट दिया, और वह सर्वदा उनका ही बना रहेगा, और वे पीढ़ी से पीढ़ी तक उसमें बसे रहेंगे।